हेलो एवरीवन, आज हम लोग बच्चों एक प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, भाषा नीति क्या है? भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, या भाषा नीति किसे कहते हैं, या भाषा नीति क्या है? प्रश्न को विभिन्न प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। भाषा नीति क्या, देखो बच्चों, भाषा नीति एक प्रकार की ऐसी नीति है जो किसी देश में लागू होता है, जिसके चलते भाषा के आधार पर मारपीट, लड़ाई, दंगे नहीं होती है। ध्यान दो, जिसमें सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, ऐसी नीति को क्या कहते हैं? भाषा नीति। ध्यान दो, एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई देश है जहां पर भाषा के आधार पर लोगों से भेदभाव की जाती है, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा के आधार पर दंगा मारपीट होती है, इसका मतलब है उस देश की भाषा नीति बिल्कुल गड़बड़ है। जैसे भारत में, भारत की भाषा नीति इतनी अच्छी नहीं है, ये बात सत्य है। भारत देश, जिस देश में हम लोग रहते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत की भाषा नीति अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी नीति? ध्यान दो, इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। पहली बात, कई लोग ये कहते हैं कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राज्य भाषा। कौन भाषा है? इस बात को लिखना, कई लोग समझते हैं कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा, लेकिन हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी कौन सा भाषा है? राजभाषा। अब समझ आया? अब ध्यान दो, हिंदी भाषा है, राजभाषा है, लेकिन हिंदी का ही विरोध हमारे देश में होता है। जैसे तुम तमिलनाडु चले जाओ, तमिलनाडु के लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वहां की भाषा नीति बहुत गड़बड़ है। वहां के लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं चलेगा तमिलनाडु में, हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ पर नहीं रहने देंगे। समझे बात? क्या समझे बताओ? ध्यान दो, हम क्या करें? हिंदी भाषा जो है उसको हम चलने नहीं देंगे। समझे बात? हिंदी जैसे वहां पर अच्छा तमिलनाडु में कौन भाषा चलते हैं? तमिल, नाम ही तमिलनाडु, अगर कभी कंफ्यूज हो जाए। ध्यान दो, तमिलनाडु ठीक है, तो आई में कौन भाषा चलते, नाम ही है तमिलनाडु में तमिल भाषा चलता है। कभी भूल जाओ तो चर्म से धर्म का तमिल, तो वहां पर तमिल भाषा को सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर। वेस्ट बंगाल चले जाओ, तुम पश्चिम बंगाल बगल में ही है, 6:30 बजे ट्रेन पकड़ोगे, 7 बजे भोरे उतार देगा वेस्ट बंगाल। कलकत्ता, वहां पर दो भाषा का महत्व है, बंगाली या तो अंग्रेजी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी नहीं चलता, हिंदी चलता है, लेकिन महत्व, मेन इंपॉर्टेंस। हम गए एक बार, अपनी बताते हैं कुछ अनुभव, वहां गए एक बार तमिलनाडु कहते हैं, सॉरी यहाँ पे वेस्ट बंगाल, WBP गए, तो हमको जाना था कहीं डॉक्टर के पास, समय तबीयत खराब होती, डॉक्टर के पास गए, तो सियालदह स्टेशन है सबसे लास्ट, सियालदह स्टेशन पर उतरे। हम बोले उसको बड़ा बाजार कहाँ है, तो बंगाली में कहता है आमी ना जानू, ऐसे कुछ बोला। बोले क्या बोल रहा है? हम बोले कि मतलब 3-4 लोगों से पूछे वहां पर कि बड़ा बाजार जाना है हमें, नो रिस्पॉन्स। बाप रे, हम तो कहाँ फंस गए, तो कोई हमारा भाषा समझता ही नहीं था, ना उसका भाषा समझते थे, कम्युनिकेशन क्या था? गैप। अरे भाषा की रहे, गैप था ना, कि ना तो हम उसकी भाषा समझ पा रहे थे, ना वो हमारी भाषा समझ पा रहा था। एक ही तरीका था अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी भी ये बात सकते हैं, वहाँ के लोकल लोग नहीं आता है अंग्रेजी भी, वो भी पढ़े लिखे लोग जो हैं वहाँ पर उनको आता है। ऐसे यहाँ पर मैथिली आता है लोगों को, तो मैथिली आता है, हिंदी आता है यहाँ पर। यहाँ बिहार में क्या है, मैथिली और टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेता है, मैं खाता है, मैं जाता है बोलता है ना, महिला सही बोल लेता है, लोग बोलते हैं ना जी, लेकिन वहां पर ही बोल लेता है। इस ममता बनर्जी का भाषण सुने तुम लोग, नरेंद्र मोदी देश में मारपीट पहुंचा देगा, बर्बाद कर देगा, ऐसे ऐसे बोलेगा, कैसे कैसे उसका भाषा का भी देखना, ये चाय वाला नहीं है उसका भाषा सुनोगे ना तो गजब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई पूरा बंगाली लगता है, बंगाली टर्म भाषा। देखो जो हमारा
बोलने का तरीका है वो झलकता है। बोलने के तरीके, दिल्ली जाओगे तो दिल्ली का टोन ही अलग है, वो अलग मतलब उसका टोन मैं कैसे बताऊं। हम भी सीख गए थे उस समय, अब टोन हम भूल गए। दिल्ली में जब हो रहते थे डेढ़ साल तो दिल्ली वाला टोन हम ही पकड़ लेते। हाँ मतलब अलग ही तरह का वहाँ का भाषा है, और यहाँ पर बिहारी में अलग ही भाषा प्रभाव। गुजराती बोलोगे जैसे नरेंद्र मोदी क्या बोलते, देखो जैसे नरेंद्र मोदी होता है प्रकृति तो बोलेगा प्रकृति, प्रकृति। हम लोग रसगुल्ला बोलेगा, बंगाली बोलेगा रसोगुल्ला, रसोगुल्ला ऐसे। तो पर हम सुनिए समझ हम क्या कर रहे हैं। तो भाषा नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके द्वारा किसी भी देश में भाषा के आधार पर भेदभाव, मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना। ये होने देना नहीं, झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, दंगा फसाद नहीं। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। अगर भाषा के आधार पर मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो समझिए उस देश की भाषा नीति क्या है, गड़बड़ है। अच्छा इतना ही नहीं, देखो बताते हैं, हमारे ही देश में सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर भारत में कोई भी बड़ा कोर्ट नहीं है। अलग अलग कोर्ट हो, जैसे ऐसे सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट कौन क्या होता है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय से ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। हम बचपन में क्या समझते, पता है समझते कि हाई कोर्ट सबसे बड़ा है, नाम ही हाई, हाई कोर्ट। हाँ अठवा तक हम यही समझे थे, सर बता रहे अठवा तक हमने हाई कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं था। बचपन में लोग होता है ना अलग तरह का धारणा लोग बना लेता है, तो कहीं पढ़े सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत होती है, शीर्ष अदालत तो हाई कोर्ट होता है नहीं। तो फिर हमें समझ आया, नहीं गलती हम सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, सबसे सर्वोच्च। सबसे बड़ा कौन कौन होता है बोलो, कहाँ पे है? दिल्ली में, दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो उच्चतम न्यायालय एक है, उच्च न्यायालय जो पटना में है, एक है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम, उच्च में अंतर है, उच्च मतलब हाई, ठीक ध्यान दो। तो उच्चतम न्यायालय में भी जो जो बता रहे जो ये आता है आदेश या वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट का मतलब होता है जो न्याय देते हैं जज, जो न्यायमूर्ति होते हैं ना जज देते हैं ना, देन फैसला देते हैं फैसला, तो वर्डिक्ट क्या होते हैं, वर्डिक्ट क्या बोलते हैं बोलो, वर्डिक्ट जो फैसला सुनाते हैं, जो जजमेंट लिखते हैं उसे बोलते हैं वर्डिक्ट। तुम्हें जान के हंस लगेगा, वहां पर अंग्रेजी भाषा में ही होता है, इंग्लिश भाषा में ही लॉयर डिबेट करते हैं आपस में, इंग्लिश भाषा में ही, हिंदी नो हिंदी। बात वहां पर जो बड़े बड़े लॉयर होते हैं किस में डिबेट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जज भी इंग्लिश में सुनता है एकदम पूरा किस चीज को। हिंदी इज नॉट अलाउड इन सुप्रीम कोर्ट, वो बहुत इमरजेंसी में, जैसे आप तुमको कुछ नहीं आता कबाब हो बिल्कुल, तब तुम हिंदी बोलो, मतलब तो मजबूरी है, अपनी बात को कैसे बोलोगे, हिंदी बोलोगे। धन्यवाद, तब वहां पर आपको हिंदी अलर्ट होगा, लेकिन अगर आप जानते हैं तो पहली प्राथमिकता किसको होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेजी ही चलता है, देखो जो देश की सबसे बड़ी अदालत है जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, वो भी अपना टोन जो है अंग्रेजी ही पकड़ा हुआ है, आदेश भी अंग्रेजी में ही आता है। धन्यवाद, अभी जैसे मीटिंग हुआ था कुछ दिन पहले मीटिंग हुआ था, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के जज से कि आप जो आदेश देते हैं, अनुरोध आदेश तो नहीं दे सकता है मोदी, आदेश देगा जज को कि आप ऐसे भाषा में कीजिए, नहीं बोला कि हम चाहते हैं कि जो आप आदेश देते हैं वो अलग अलग भाषा में, जैसे आप मैथिली में भी दीजिए, भोजपुरी में भी दीजिए, अलग अलग ट्रांसलेट करवा के, ताकि लोगों को समझने में क्या हो, सहूलियत हो। एक जो आदेश आए तो उसको अपने भाषा में, अंग्रेजी में तो आता ही है, अंग्रेजी में तो नो डाउट आता ही है, अलग अलग भाषा में भी उसको आप छपाइए, ताकि लोग उसको पढ़े कि जजमेंट में जज साहब ने क्या कहा है। नहीं, भाषा मुख्य रूप से क्या है बोलो, लेकिन हाँ हाई कोर्ट में जो पटना हाई कोर्ट है वो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। हाँ पटना हाई कोर्ट में भी आदेश किस में आता है, अंग्रेजी में ही आता है, और कभी कभी दूसरा भाषा में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मेन कार्य जो कार्यकारी भाषा है, कार्य करने की भाषा है, वो क्या है बोलो,
इंग्लिश ही है, बताए ना सब चीज इंग्लिश में ही होता है। कभी देखना, कभी यूट्यूब पर देखना, देखना सुप्रीम कोर्ट लाइव डिबेट देखोगे सब। कभी कभी ऑनलाइन, अभी कोविड के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन चल रहा था, जैसे ऑनलाइन क्लास चलती है, तो कोर्ट बंद जल्दी थोड़ा होगा। कोर्ट सब तो भाई बहुत इमरजेंसी होता है। हाई कोर्ट पटना, हाई कोर्ट पटना, हाई कोर्ट तो क्या चल रहा था बोलो? ऑनलाइन, किस मोड में? ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन क्लास चलता है ना, उसी प्रकार ऑनलाइन कोर्ट, ऑनलाइन काम हो रहा था, ऑनलाइन फैसले हो रहे थे, केस निपटाना हो रहा था, कई करोड़ केस पेंडिंग है। चले ध्यान दो, कहने का समझिए क्या कर रहे हैं कि जो भाषा नीति होती है, एक इस प्रकार नीति होती है जिसमें भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मारपीट नहीं होता, कोई दंगा नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार की हीन भावना नहीं रखने देते, और ऐसी नीति को ही क्या कहते हैं? भाषा नीति। आया आया जी, तो इसी प्रकार नीति को क्या कहते हैं? भाषा। जैसे भारत में, इतना भारत में भाषा नीति इतनी अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोग हिंदी भाषा का ही विरोध कर, दक्षिण भारत की जितने भी, तमिलनाडु ही नहीं मतलब जैसे कर्नाटका हो गया तो कन्नड़ भाषा बोलेगा, हाँ वेस्ट बंगाल चले जाओ तो वहाँ पर बंगाली भाषा अपने हैं, असम चले जाओ तो एमएससी में एसएमएस भाषा बढ़िया है, हाँ जैसे तुम महाराष्ट्र चले जाओ मराठी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है, गुजराती भाषा का महत्व, मतलब कहने का समझ नहीं रहता। यहाँ की भाषा तो इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर कोई एक भाषा नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों भाषाएं हैं, बहुत भाषाएं हैं। सब भाषा का अपना क्या है? डोमिनेंस है, वहां पर प्रभुत्व है। धन्यवाद सुमाया जी। कहने का सेंस ये है, भाषा का विवाद होता रहता है भारत में, मारपीट। तुम सुनते रहोगे कि बिहारी जो है, बिहारी का भुच्चर होता है तो क्यों, उसके टोन से ही समझता है लोग। लोग कहते हैं ना, इसका मतलब क्या, भाषा उसका मुंह का, उसका पांच आंख होता है, पांच कान होता है, सेम वेशभूषा थोड़ा होता है, काला का लूटा दिखता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, सुनो, थोड़ा सा लैंग्वेज उसका उठपटांग सा होता है, लोग समझ जाते हैं क्या है ये, बोलो बिहारी और यूपी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं गलत होता है, ये भाषा नीति के क्या है? दुश्मन है। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है, इसका मतलब वो भाषा नीति का क्या है? दुश्मन है। समझ आया? बात नहीं करिए। तो आई होप बच्चों, मैं आशा करता हूं कि भाषा नीति क्या है आप इसको समझ पाए होंगे, इसको परीक्षा में लिख लेंगे और इसको परीक्षा में आप अच्छा अंक आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए बच्चों कि आप किस क्वेश्चन को चाहते हैं कि सर एक्सप्लेन करें। आप कमेंट में बताइए कि सर मुझे फलाना क्वेश्चन जो है इसको लिख दीजिए, मैं इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, माता की जय।